हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव सूरज, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज के चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो है भाग 6 आईपीएससी कार्बनिक यौगिकों की आईपीएससी नाम की रचना विधि। आज हम बताएंगे रचना विधि कैसे करते हैं, मतलब कहने का ये अर्थ है कि नंबरिंग कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने ये बता दिया कि क्रियात्मक समूह का नाम क्या है और उसका नामकरण कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने पांच भाग में बता दिया, और ये समझ लीजिए पांच भाग का यूज आपको इतना होगा कि आप उसी के माध्यम से ही आईपीएससी नाम कर सकते हैं। यदि अभी तक आप पांच भाग नहीं देखे इसके पहले का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक दिया गया है, और वहां पे क्लिक करके पांचों भाग को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। तो चलिए, समय न गवाते हुए आपका आज का भाग शुरू करते हैं। तो आज के इस भाग में नंबर वन, जनक श्रृंखला का चुनाव कैसे करते हैं वो बताएंगे। जनक हाइड्रोकार्बन की रचना कैसे करते हैं। जनक श्रृंखला का अंकन, यही तीनों ऐसा भाग है जिसके माध्यम से यदि आप जान जाते हैं तो आईपीएससी नाम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन जो चौथा भाग है यौगिकों के नाम की रचना, ये तो कैसे नामकरण करते हैं वो यहाँ पे बताना शुरू करेंगे। अब एक चीज और ध्यान दे दीजिए, हमने पहली चीजें बताई थी क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। क्रियात्मक समूह मतलब जो भी हमने अभी तक भाग पीछे पढ़ाया हुआ है, जैसे एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब जो अलग अलग हाइलाइट ग्रुप ले लेते हैं, सी एल बी आर कुछ भी, ये सब जो जो बताए हैं पीछे, क्या करना है उसका नामकरण कैसे करते हैं और उसको पहचानते कैसे हैं। तो पहली चीज है क्रियात्मक समूह अच्छे से समझ लीजिए, और दूसरी चीजें नामकरण कैसे करते हैं वो तो हमने इसी में मिल जाएगा। दूसरी चीज है नंबरिंग, नंबरिंग कैसे करते हैं। यदि आपको नंबरिंग करने आ गया कि इधर से करें कि उधर से करें, ऊपर नीचे कैसे करें, तो नंबरिंग करने के लिए आ गया और क्रियात्मक समूह पहचानने आ गया, तो इस दोनों के माध्यम से आपका आईपीएससी नाम खत्म हो जाएगा। चाहे आप बीएससी लेवल पे हो चाहे इंटर लेवल पे हो, आपका आईपीएससी खत्म हो जाएगा। तो इस नंबरिंग को समझने के लिए, क्रियात्मक समूह को समझने के लिए हमने वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो क्रियात्मक समूह समझने के लिए पीछे पांच भाग है, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और नंबरिंग को समझने के लिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबरिंग को, कि जनक श्रृंखला का चुनाव नंबरिंग के लिए पहला ऑप्शन यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जनक श्रृंखला का चुनाव, फिर दूसरे भाग में बताएंगे जनक हाइड्रोकार्बन की रचना कैसे करते हैं, फिर तीसरे भाग में बताएंगे ये, और उसके बाद अगले भाग में ये बता देंगे। तो पहले भाग को देखने के लिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं जनक श्रृंखला का चुनाव। आज का वीडियो केवल इसके लिए है, जनक श्रृंखला का चुनाव। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छे से समझ लें। यदि आप इसको मिस करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है आपको बस 20% या 30% समझ में आएगा, बाकी सब नहीं समझ में आएगा। यदि आप पहले अपने बुक से पढ़ चुके हैं तो बहुत आएगा, 60% आ जाएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। अच्छी तरह से 90-100% सीखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनक श्रृंखला का चुनाव। जनक श्रृंखला का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब इसमें तीन भागों में बांटा गया है, इसको तीन भागों में हम बताएंगे ताकि आपको जनक श्रृंखला का चुनाव अच्छे से समझ में आ सके। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा है इसमें असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यह है दूसरा नंबर। और तीसरा जो नंबर है वो है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो पहले भाग में हम इस तीनों के बारे में चर्चा करेंगे और फुल डिटेल्स बताएंगे, इसका एक तरफ से डिटेल्स हम बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं नंबर वन, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जैसे हमने पहले ही भाग में आपको बता दिया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है, वो यौगिक जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, संतृप्त मतलब वो यौगिक जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, कार्बन कार्बन से तो जुड़ा हो लेकिन सिंगल बॉन्ड से। अब हाइड्रोजन की मात्रा कुछ भी हो सकता है, अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं हम, कार्बन कार्बन जुड़ा हो तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, वो हमारा होता है संतृप्त। और असंतृप्त की बात किया जाए तो कार्बन कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो
या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा से अभी हम तुलना नहीं कर रहे, हम बस समझा रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल से हो या डबल से हो, ये संतृप्त के लिए है और ये असंतृप्त के लिए। ये दो चीजें समझ में आ गई। अगर तीसरी बात किया जाए क्रियात्मक समूह का, तो क्रियात्मक समूह हमने जो पीछे बताया है, जैसे एल्कोहल ले लेते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, कोई हाइलाइड ले लेते हैं, हाइलोजन ग्रुप, मतलब ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है। ये तो समझ में आ गया। तो ये तो हमने शॉर्ट में बताया आपको कि छोटे छोटे माध्यम से कि कैसे ये होता है, ये तो समझ लिए। चलिए अब पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाते हैं कि कैसे ये होता है। तो पहला है संतृप्त में सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। चलिए सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कैसे करते हैं, कहीं भी कोई भी यौगिक ले लेते हैं, उसका सबसे लंबी श्रृंखला देखना है। अभी हम संतृप्त की बात कर रहे हैं, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड आ गया और उसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH2, CH2 और CH3। अब यहाँ पे भी ले लेते हैं CH2 और CH3। ये हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी। सभी सिंगल बॉन्ड से, इससे हमें यह पता चलता है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब सबसे लंबी देखिए करते हैं, जैसे यहां से कार्बनों की संख्या हमेशा देखते हैं, हाइड्रोजन से गिनती नहीं करते हैं, हमेशा गिनते हैं कार्बन पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक आ गया 6। यदि हम यहां से गिनते फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सबसे लंबी आ गया देखिए। या यहां से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इधर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो चाहे इस तरह से गिनिए चाहे इस तरह से गिनिए, दोनों क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे नंबरिंग ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला बनेगी। यदि इधर से देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तक ही आ रहा है, या ऐसे भी ले लेंगे तो भी 6 तक ही आएगा। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव हमने कर लिया। अगर इसका नामकरण करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए कार्बन की संख्या 7, 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, लिखते हैं हेप्ट। अब उसके साथ तो सिंगल बॉन्ड सभी हैं, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है, सब सिंगल बॉन्ड से है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ANE, हो जाएगा हेप्टेन। ये आपको समझ में आ गया। चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और एग्जाम्पल देकर बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो देखिए एक ही हमने दोनों श्रृंखला ले लिया है, हमने एक ही क्वेश्चन को दो बार लिखा है क्योंकि आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। चलिए देखिए इसमें अगर इसका हम नंबरिंग करते हैं तो ये देखिए जटिल श्रृंखला है, जटिल मतलब एक श्रृंखला का श्रृंखला है, इसको श्रृंखला बोलते हैं, ये जो अलग अलग होता है इसको श्रृंखला बोलते हैं। अब जटिल श्रृंखला यहाँ पे दिख रहा है, नंबरिंग अगर करना है तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, सबसे लंबी मतलब सबसे लंबी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तक आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 तक आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5, अगर इधर भी लेते हैं तो भी 5, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला 5 है, अगर इधर से भी लेते हैं तो भी 5, इधर से भी लेते हैं तो भी 5, मतलब चारों तरफ से 5 आ गया। और वही चीज इसमें भी है, इसमें भी वही चीज है, तो 5-5 आएगा। लेकिन अगर 5-5 आ गया तो हम एक ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं, तो लेकिन उसमें दोनों में से चुनाव किसका करना है, मान लेते ये ए है और ये बी है, और इस वाले को हम नंबरिंग कर लिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5, नंबरिंग इसका हमने कर लिया। आप यहां से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, चाहे ऐसे करेंगे चाहे ऐसे करेंगे, दोनों कर सकते हैं। और इस वाले में हम नंबरिंग करते हैं इधर से 1, 2, 3, 4, 5, देखिए दोनों तो नंबरिंग 5 पे आ गया, समान है, लेकिन अगर इन दोनों में देखा जाए तो किसकी उपेक्षा सही पड़ेगी, ये नंबरिंग हमें यूज करना है कि ये करना है, दोनों में यूज किसको करना है, चलिए इसको समझ लीजिए। अगर इस स्थिति में आता है कि दोनों तरफ नंबरिंग 5 है, तो उस स्थिति में देखते हैं कि किसकी श्रृंखला अधिक है, श्रृंखला मतलब जटिल श्रृंखला। जैसे इसकी देखा जाए तो एक
दो तीन, तीन इसकी श्रृंखला बच रही है। देखा जाए यहां से तो इस कार्बन का एक दो तीन श्रृंखला दिख रही है, दिख रही है। अगर इसका देखा जाए तो इसका देखा जाए तो ये तो हमारा नंबरिंग है, तो बचा एक दो तीन चार, ये एक दो तीन चार श्रृंखला इसका बच रहा है और इसका एक दो तीन बच रहा है। तो ये जो अधिक श्रृंखला वाला होगा उसी को मान्यता दी जाएगी, मतलब यहाँ पे ए वाले को यूज करेंगे, मतलब पांच है। अब इसका अगर नामकरण करेंगे तो नामकरण तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, वो अभी आगे बताएंगे कि दो पे क्या जुड़ा है वो लिखेंगे, तीन पे क्या जुड़ा है वो लिखेंगे, तो ये सब अभी आगे हम समझाएंगे, अभी हम बस बता रहे हैं नंबरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए अब दूसरा बताते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी सेम वही चीज होता है, बस इसमें एक छोटा सा अंतर होता है बॉन्ड का, जो हमारा द्विक बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विक बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उस स्थिति में नंबरिंग करते हैं सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। अब ये कैसे होता है चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा देते हैं। यदि इसके पहले अगर संतृप्त में नहीं कुछ समझ में आया है तो उसको पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं, इसका अगर एक कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे ले लेते हैं CH3, CH2, सी और डबल बॉन्ड के साथ CH2, इधर ले लेते हैं CH2, CH3। हमने आपको ये एक एग्जाम्पल दे दिया, अब इसमें आपको पहले समझा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड अगर आ गया तो हमें क्या करना है, नंबरिंग वहीं से शुरू करना है जहां से डबल बॉन्ड आएगा। अब ये नहीं कि लंबी श्रृंखला यहाँ पे है या यहाँ पे कर दिए, गलत हो जाएगा। एक दो तीन चार ऐसे नहीं करना है, या एक दो तीन चार पांच ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो पहले उसको मान्यता दी जाएगी। उस स्थिति में हम संतृप्त को नहीं देखेंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड को नहीं देखेंगे, केवल डबल बॉन्ड को देखेंगे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं आया है, डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड को मान्यता दी जाएगी। कैसे, एक दो तीन चार यहां से शुरू करना है क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है। या तो ऐसे नंबरिंग करिए या तो ऐसे करिए, दोनों कंडीशन में आप कर सकते हैं। चलिए हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, ये नंबरिंग हमारा इसका हो जाएगा। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए असंतृप्त का, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड का है। ट्रिपल बॉन्ड में समझ लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड में हम इसी की मान्यता दिया जाएगा क्योंकि यहीं से हमें स्टार्ट करना है। कुछ लोग को देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, कुछ लोग क्या करते हैं ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो यहां से नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं लंबी श्रृंखला के लिए, कुछ लोग यहां से शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नियम बहुत गलत है। हमें ये चीज देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पे है, तो ये देखना है ट्रिपल बॉन्ड इधर से पहले आता है या इस साइड से पहले आता है या इस साइड से पहले आता है। मतलब समझ लीजिए क्या कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ है अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 तीसरे स्थान पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करते हैं 1, 2, 3 तीसरे स्थान पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इधर से करते हैं तो 1, 2 दूसरे बॉन्ड पे ही आ जा रहा है, तीन बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो इधर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से शुरू करना है और शुरू करके लंबी श्रृंखला का चुनाव 1, 2, 3, 4। अब इधर लेते हैं तो 5 हो जाएगा, इधर भी लेते हैं तो 5, लेकिन ऊपर जाएंगे तो 6 तक जाएगा, तो हमें 6 तक ले जाना है क्योंकि लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 3, अगर हमें एक ही श्रृंखला में दो दो डबल बॉन्ड आ गए, दो दो बॉन्ड आ गए, वो भी पहले नंबर पे, ये भी पहले नंबर पे, ये भी पहले नंबर पे, तो नंबरिंग किधर से करते हैं, तो उस स्थिति में हमेशा पहले नंबर को किसी से भी शुरू करो, चाहे इधर से चाहे इधर से, लेकिन सबसे लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। अगर इधर से लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 तक आ रहा है, 1, 2, 3, 4, ये भी 4 तक ही आ रहा है, लेकिन अगर इससे शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, सबसे लंबी ये आ जाएगा और नीचे जाएंगे तो 4 तक ही आएगा, तो हम इधर से शुरू करेंगे 3, 4, 5, ये हो जाएगा सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। अब तीसरा नंबर बता देते हैं, क्रियात्मक समूह। अभी तक आपको जो दो ऑप्शन हमने बताया है संतृप्त असंतृप्त, उसमें कहीं भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें बताएं,
और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक भी दिया गया है, वहां पे आप जुड़कर हमें क्वेश्चन पूछिए, हम आपको बताने के लिए तत्पर हाजिर हूँ। चलिए तीसरा हमारा क्रियात्मक समूह, इसका कैसे हम नंबरिंग करते हैं इसको भी आप समझ लीजिए। क्रियात्मक समूह में जैसा नाम से लग रहा है, क्रियात्मक समूह मतलब जो भी क्रियात्मक समूह आएगा सबसे पहले उसकी वरीयता दी जाएगी। जैसे यहाँ पे आ गया क्रियात्मक समूह एल्कोहल, अब इस एल्कोहल को पहली वरीयता दी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा और सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे उसके बाद। यहाँ पे तो स्टार्ट करना है, उसके बाद लंबी श्रृंखला किधर होगी, चाहे इधर होगा चाहे इधर, चाहे इधर किधर भी का होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों तरफ से फोर है तो किसी एक तरफ ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये भी बताया था कि श्रृंखला भी होनी चाहिए, 1 2 3 4 लेते हैं तो 1 2 3 श्रृंखला बचती है, 1 2 3 4 लेते हैं तो यहाँ पे 2 1 3 श्रृंखला बचती है, मतलब चारों तरफ से 3 ही बचेगी तो किधर भी कर सकते हैं। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं किधर भी, 1 2 3 4, चाहे इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ये तो हो गया नंबरिंग। इसमें समझ लीजिए, इसमें भी देखिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह ढूंढेंगे, यदि क्रियात्मक समूह रहेगा तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यदि नहीं रहेगा तो कहीं से भी स्टार्ट करना, लेकिन लंबी श्रृंखला का चुनाव होना चाहिए क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रियात्मक समूह मिल गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये सब नाम अगर नहीं पता है तो आगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी को, वहां से पहले देखकर सबका नाम देख लीजिए, नाम के लिए भी वीडियो बनाया गया है। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ से ही हमें नंबरिंग स्टार्ट करना है और इसके बाद बाद सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है, चाहे ये लंबी होना चाहिए चाहिए कोई भी हो। 1 2 3 4 5, इधर सबसे 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया सबसे लंबी श्रृंखला, इसका चुनाव ऐसे करेंगे। इसमें बहुत सारे अभी कन्फ्यूजन आप लोग को पैदा होगा, हमें पता है अच्छी तरीके से कि एक क्रियात्मक समूह हो, डबल बॉन्ड हो तो किसकी वरीयता दी जाएगी, अगर दो दो क्रियात्मक समूह होगा तो किसकी वरीयता दी जाएगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोग का है। तो उस सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगले भाग में देखें, और अगले भाग में अच्छे से आपको बताया जाएगा, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट भी बताया जाएगा कि जनक श्रृंखला, जनक हाइड्रोकार्बन के नाम की रचना कैसे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी वीडियोज़ आप लोग के सामने मिलता रहे।